हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है विरोध में। भारतीय किसान यूनियन के समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को विपक्ष ने भी अपना समर्थन दिया है। इस वक्त प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसान संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं। उधर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बिल के विरोध में पंचकूला, अंबाला, रोहतक, बरवाला, हिसार, झज्जर में किसान सड़कों पर हैं और सरकार से कृषि बिल को जल्द वापस लेने की मांग करें। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उचाना से, टोहाना से, उकलाना से, करनाल से, बल्लभगढ़ से और गुहला चीका से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां भी किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर आप देखिए प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद यहाँ नजर आ रहा है। किसान संगठित होकर एकत्रित होकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कालाबली की तस्वीरें, रोहतक से भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार खेती किसानी की बात होती रही है। अब किसानों को बिल से क्या पति है, बता दें कि राज्यसभा में बिना चर्चा के तीनों बिल पास क्यों हुए। देश की संसद के इतिहास में पहली दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना हुई। आपको जानकारी दे दें कि देश की संसद के इतिहास में पहली बार दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ध्वनिमत से इन बिलों को पास कर दिया गया। किसानों के समर्थन मूल्य का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। ये आपत्तियां, एमएसपी नहीं होगी तो देश का किसान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मंडी के बाहर खरीद पर शुल्क हटने से मंडी व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। सरकार धीरे धीरे फसल खरीदी से हाथ खींच लेगी, कॉरपोरेट के माध्यम से फसल खरीदी जाएगी। अब तीन कृषि बिल क्या है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल, जिसके जरिए किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। किसान कहीं भी अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है। बिल से किसानों और व्यापारियों को बड़ा बाजार मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है। बड़े बाजार से किसानों को फसलों के बेहतर दाम मिलेंगे, सरकार की ओर से यह भी मत दिया गया है। इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। ये बिल किसानों को अनाज के फ्री व्यापार की सुविधा देता है। इस बिल के जरिए किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है और वो कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। बिल से किसानों और व्यापारियों को बड़ा बाजार मिलेगा, सरकार की ओर से ये बात भी कही गई। बड़े बाजार से किसानों को फसलों के बेहतर दाम भी मिलेंगे। इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात कही गई है। छोटे किसानों को इससे ज्यादा फायदा होगा, सरकार की ओर से ये तर्क भी दिया गया है। किसान सीधे निर्यातकों और बड़े कारोबारियों से संपर्क में होगा, इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं पड़ेगा। खेती की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक किसान पहुंचेगा। वैश्विक बाजारों में आपूर्ति के लिए जरूरी आपूर्ति चेन तैयार होगी। बिल के जरिए बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी तो किसानों को अपनी फसल के बेहतर दाम भी मिलेंगे। दलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज अनिवार्य वस्तुओं की सूची से बाहर। अब इनको आसानी के साथ स्टोरेज किया जा सकेगा, यानी कि स्टोरेज लिमिटेशन है वो निर्धारित नहीं की गई है। अच्छी पैदावार होने पर स्टोरेज की जा सकती है। वस्तु अधिनियम के चलते फसल के सही दाम मिलेंगे और इससे जो किसान है वो कोई भी फसल स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इससे किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि इससे खाद्य पदार्थ जो हैं, दलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज, कहीं ना कहीं इनकी कालाबाजारी होगी, जिससे देश का संतुलन भी बिगड़ेगा, खाद्य पदार्थों का संतुलन भी बिगड़ेगा।